नमस्कार दोस्तों, आज मुंबई से एक बड़ी घटना फिर से निकल कर आ रही है ट्रैफिक रूल्स के नियमों का पालन न करने पर। जी हां, एक ट्रक ड्राइवर ने सुरेश यादव, जिनका नाम है 28 साल, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि इन्होंने अपने वाटर टैंकर को, जी हां बता दें, एक टू व्हीलर को ठोक दिया और साथ में पैदल चल रहे दो लोगों को भी घायल किया। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, गायकवाड़ नाम है उनका, जी हां 32 साल के है, और 28 साल के सुरेश यादव को फिलहाल रैश ड्राइविंग के जुर्म में जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें आपको, मुंबई में पिछले कई दिनों से लगातार रोड एक्सीडेंट्स में लोगों की जानें जा रही है। प्रशासन को इस पर सख्ती से कड़े नियम पालन करने होंगे ताकि ऐसी घटनाओं को रोक लगा जा सके। बता दें आपको, मुंबई में कुछ दिनों पहले आपने देखा मलाड में भी 2 बार एक्सीडेंट इसी प्रकार से हुआ, उसके बाद आज गिरगांव जैसे शहर में। जी हाँ, बता दें गिरगांव यानी कि बहुत ही ज़्यादा पॉश एरिया माना जाता है, गिरगांव चौपाटी के पास का एरिया, और वहाँ पर भी इस प्रकार की रैश ड्राइविंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को थोड़ा सख्ती जरूर अपनाना पड़ेगा ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। महाराष्ट्र और मुंबई की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे स्मार्ट न्यूज़ इंडिया के साथ।